बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर होस्ट नुदरत मुगल विद लेट्स कनेक्ट शो पावर्ड बाय A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। तमाम लोग जानते हैं कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज की मिसाल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और अब ये एक इनिशिएटिव हमने उठाया है कि जी क्यों ना एक ऐसा शो आप तमाम लोगों के लिए आपकी स्क्रीन्स पे लाया जाए जो कि प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेटिव शो हो, जहाँ पे हम उन लोगों को बुलाएं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से जिनका ताल्लुक हो, प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हों। तो इसी टॉपिक पे यानी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के लिए और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों को जो हमने अपने शो में इन्वाइट करना स्टार्ट किया है, उनमें से आज एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ हमारे इस लेट्स कनेक्ट के सेट पर मौजूद हैं, जो जिनका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, प्रॉपर्टी फील्ड से। पिछले 3 साल से वो वाबस्ता हैं। क्या काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस है, ये वो बताएंगी अपनी ज़बानी। आप हमारे साथ मौजूद हैं मिस नबीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी एक कहने को एक बहुत मतलब टफ फील्ड है ना, आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वंस आप एक बार समझ जाओ सारी चीजों को, देन उसके बाद आपके लिए ये पीनट बन जाता है और बहुत इजी वे हो जाता है। नबीला कितना टाइम हो गया प्रॉपर्टी से रिलेटेड? मुझे जो है 3 साल हो गए इस फील्ड में, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटिव नहीं था। मैंने जिस फील्ड में गई थी उसमें भी प्रॉपर्टी के रिलेटिव ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, मैं जॉब के करियर में आई, तो मुझे जो फील्ड मिली वो प्रॉपर्टी की ही जॉब मिली। तो शुरू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, नर्वस थी कि आई कांट डू दिस, बट वो कहते हैं ना कि आप कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। तो काम शुरू किया और जो है आगे चलते गए। तो मैंने जो है एक कंपनी ज्वाइन की जो कि डिप्लोमेट सर्विसेज के नाम से है, बहरिया टाउन कराची में है, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका नाम है बहरिया टाउन में। आप सर्च भी करें तो आपको पता है आजकल जो है इंटरनेट का जमाना है, आप एक सर्च कर दे तो सब हिस्ट्री आ जाती है। तो बहुत अच्छा जो उनका नाम है बहरिया टाउन में, काफी सुना था, तो उनके साथ मैंने ये प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया। प्रॉपर्टी की फील्ड में आई, शुरू में बहुत चीजें मुश्किल थी, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जिस तरह से हम आगे बढ़ते गए, काम सीखते गए, तो चीज़ें बहुत इजी होती गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे 3 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और बहुत सी चीज़ें लाइक प्रॉपर्टी के बारे में ऑलमोस्ट अब पता चली हैं, लेकिन वो है कि आप जितना भी कर लो उसके बारे में आपको इतनी नॉलेज होती नहीं, आपको काम करते जाते हैं तो आपको चीज़ें समझ आती रहती है। मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी भी इतनी मुश्किल फील्ड नहीं है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो कहती हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल फील्ड है, हम इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते, या ये फील्ड जो है हमारे लिए नहीं है। कि मुझे लगता है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी एक लड़कियों के लिए भी है, बस आपको मेहनत करनी होती है, आपको चीजें समझने की जरूरत है। बाकी ये काम भी मुझे लगता है सबके लिए है। एग्जैक्टली, जो इस चीज से पीछे हटते हैं मुझे लगता है उनको भी ये नहीं करना चाहिए। जो लड़कियां कहती हैं कि नहीं यार ये लड़कों की फील्ड है, बहुत से मैंने भी देखे इसमें, मैं उन्हें भी मोटिवेट करती हूँ कि नहीं यार आप आए, आप कर सकते हैं, ये वो फील्ड है जो सबके लिए। अब कुछ ऐसा अच्छा, नहीं नबीला, हम ये सवाल ऐड अभी इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि आपको माशाल्लाह 3 साल हो गए, लोगों को बहुत साल हो गए हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कि एक अच्छा प्रॉपर्टी एजेंट या एक अच्छे प्रॉपर्टी बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है, तो आपको क्या लगता है कि वो की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला की पॉइंट मुझे लगता है आपकी अपनी नॉलेज है। जब तक आप एक चीज बेच रहे हो, आपके आपको उसके बारे में 100% नॉलेज नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज आप बेच सकते हो। ऑब्वियसली अगर मैं एक चीज बेच रही हूँ तो मुझे उसके बारे में 100% वर्किंग होनी चाहिए, मुझे उसके बारे में सब चीजें नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब मैं एक चीज बेचने जाऊंगी तो मुझे उसके बारे में जब कुछ फीचर्स मुझसे, ऑब्वियसली क्लाइंट फीचर्स पूछते हैं कि इसके क्या फीचर्स, इसके लेने के हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं, तो जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगी मैं उसे सेल नहीं कर सकती। तो सबसे जरूरी है आपकी अपनी नॉलेज। तो मुझे लगता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है आपकी इस प्रॉपर्टी में। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद हम चले जाते हैं आपके कॉन्फिडेंस पे। मुझे लगता है कि आप अगर एक चीज सी आपको पता है, लेकिन अगर आप उसे ब्रीफ नहीं कर सकते, अगले बंदे को समझा नहीं सकते, तो फिर आपके नॉलेज का भी कोई फायदा नहीं हो जाता। तो ये भी मुझे लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जब नॉलेज है आपके पास, आप उसको इतनी अच्छी तरह की ब्रीफ कर सकें कि उन्हें पता चले कि हाँ आप जो बेच रहे हैं वो एक छोटी चीज नहीं है और एक अच्छी चीज है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं आप बेसिकली। ऐसा ही देखिए, अगर आपको अपने ब्रांड की क्वालिटी दिखानी है, क्वांटिटी दिखानी है, तो उसके लिए आपको अपनी ब्रांड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस चीज पे आप वर्किंग कर रहे हैं, जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, उसका आपको A to Z हर चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, जब आपने जैसे बताया कि भाई शुरू में होती है मुश्किल सबको, तो सबसे टफेस्ट जो मतलब मुश्किल थी, ऐसी चीज आपने सोचा बस अब गिव अप हो जाएगा शायद मेरा, तो वो क्या था? मुझे लगता है कि इस फील्ड में आपका एक पेशेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काम हम सीख लेते हैं, हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, लेकिन बाज दफा हमारे पास ऐसे होते हैं, बहुत से क्लाइंट्स आके बैक चले जाते हैं कि
कि नहीं हमें समझ नहीं आया कुछ होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सी जो सेल्स होती है वो डीमोटिवेट्स हो जाती है कि नहीं यार हम नहीं हाँ, कर ये सकते। बड़ा इशू होता है लोगों का जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो कि जी क्लाइंट आ गया वापस चला गया। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर पेशेंट भी लाजमी होना चाहिए। जब आपका आपके अंदर पेशेंस होगा तो आपके पास 10 क्लाइंट्स आके भी जा रहे होंगे ना, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि नहीं यार जब मैंने इतना काम किया तो मैं ऑब्वियसली इसको सेल भी कर सकती हूँ। ऐसा ही अगर आपके ऐसा ही पास दिन में 10 आ रहे हैं, 10 बैग जा रहे हैं, तो आपको पेशेंट रखना है। आपको जो है बैक नहीं खाना कि नहीं यार अब यहाँ तक आने के बाद नहीं कर पा रही, लेकिन मेहनत का सिला अल्लाह पाक खुद भी देता है, तो ऐसा ही आपको स्टिल होगा, मेहनत करते रहना चाहिए इंशाल्लाह, जो आपके पास फिर एक ना एक दिन आपकी मुझे लगता है डील लाजमी मैच्योर होती है। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा अब आजकल के हमारे जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है वो किस हद तक इस वजह से डिस्टर्ब हुआ है? अभी अगर हम लोग ओवरऑल देखें कि मुल्क के हालात भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, जबकि हमारी अपनी जो हुकूमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो इस हवाले से प्रॉपर्टी में मैं ये नहीं कहूँगी कुछ असर नहीं पड़ा, काफ़ी असर पड़ा इस बिल्कुल फील्ड पे। और प्रॉपर्टी की प्राइजेज जहाँ पर थी वो बहुत ज़्यादा जो है लो हुई हैं, और बहुत ज़्यादा जो उसमें फ़र्क आया है। और लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अब ये फील्ड जो है, अभी अप एंड डाउन हर चीज़ में आते हैं, इस बिल्कुल फील्ड में भी बिल्कुल आए हैं और हर चीज़ में आए हैं, तो प्रॉपर्टी में भी आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब ये आपके लिए एक बेनिफिट नहीं रहा है, या आपको ये मुझे लगता है आज की सरमाया और कल की आपका मुनाफा है। तो ऐसा अगर ही है, आज ऐसा ही आज आप एक अच्छा स्टेप लेते हैं अपनी फैमिलीज के लिए, अपने किसी और के लिए, अभी ये क्या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट है कि आपको एक चीज़ जो अगर आप कहीं घर लेने जा रहे हैं, अगर हम भैरियाटॉन की बात करें तो अभी काफ़ी प्राइजेस लो है, अगर आप वहाँ पे आज प्रॉपर्टी लेते हैं तो कल को जब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तब वो ऑब्वियसली अपनी प्राइस ऊपर जाएंगी। ऐसा ही है। तो जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात की जाए, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप अपनी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उसका ऐसा मुनाफा मिले और ऐसा रेंटल इनकम मिले कि जिससे आपको वाकई लगे कि यार दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, तो वो है कनेक्ट 2.0, जो कि हम लॉन्च कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6th फ्लोर ऑफ आरजे मॉल, और साथ ही साथ ए नाइट ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारा ये लेट्स कनेक्ट शो का सेट भी है 4th फ्लोर ऑफ आरजे मॉल, जो कि है कनेक्ट कमर्शियल हब। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप एक कनेक्ट कमर्शियल हब आपके लिए एक मॉडल है कि कनेक्ट कमर्शियल हब इतना कामयाब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सक्सेस हुई है कि उसके बाद हमें अब कनेक्ट 2.0 की तरफ जाना पड़ा और हमने कनेक्ट 2.0 को अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि जी ऑफिस से रिलेटेड उनके पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो अच्छे इन्वेस्ट कर सकें और वहाँ से अपना जो है वो मुनाफा कमा सकें, तो जी आपने जो हमारे यूएन नंबर्स हैं कनेक्ट 2.0 के लिए उन पे ज़रूर कांटेक्ट करना है। अच्छा नबीला, एक चीज़ जो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने खुद भी कहा कि बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, लड़कियाँ कहती हैं जी प्रॉपर्टी फील्ड बड़ी मुश्किल है, आपको भी यकीनन मुश्किल हुई होगी जैसा कि आपने बताया कि हुई है, जो लड़कियाँ हमें देख रही हैं और आना चाहती हैं इस प्रॉपर्टी फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि ऑब्वियसली स्टार्टिंग, जब हम कुछ भी किसी भी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं तो हमारे लिए न्यू होती है, उसमें हमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत से डिफ़िकल्ट आते हैं, कि मुझे लगता है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आप आगे बढ़ें, अपनी नॉलेज पे काम करें, और अपने जो आप जिस चीज़ को एक आप स्टेप ले लेती हैं एक स्टेप, तो आप अपना एक स्टेप पीछे ना जाएं, आपको दो स्टेप और आगे ही आना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है डीमोटिवेट ना हो, डीमोटिव करने के लिए आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, आपके साथ फिर कोई नहीं होगा जो आपको आगे की तरफ मोटिवेट करेगा exactly. और ना ही आपके पास ऐसे स्टाफ होंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है और आपको आगे बढ़ते रहना है, तो ये आपके जाके आगे इंशाल्लाह जब आप फिर आप जिस मुकाम पर आएंगे फिर आप खुद अपने ऊपर प्राउड करेंगे, और जो आप लोग को पीछे कहते हैं कि हट जाए वो भी आपके ऊपर एक दिन इंशाल्लाह जरूर प्राउड करेंगे। ऐसा ही है। अच्छा अब घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पांस है, प्रॉपर्टी फील्ड में है आप क्योंकि? हाँ, घर वालों की तरफ से ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो भी कहते थे कि प्रॉपर्टी एक ऐसी फील्ड है जो लड़कों के लिए है, क्योंकि एक चीज जो है माइंड में बिठा दी जाती है कि बन हाँ चुका कि ये है, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि जब मैंने इस चीज में एक स्टेप रख लिया तो मुझे आगे जाना है, मैं पीछे हटूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं फेल हो गई हूँ और मैं अपने आप को हारते हुए नहीं देख सकती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर घर से बहुत सपोर्ट किया सबने, बाहर के कुछ लोग थे जो फ्रेंड्स और बात की जाए उन्होंने बहुत कहा कि नहीं इस फील्ड में मत जाओ, लड़कियों के लिए नहीं है, अच्छी फील्ड नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँची हूँ। 3 साल से काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, एज अ सेल्स मैनेजर काम कर रही हूँ भैरियाटॉन कराची में, अपनी जो है हमारी कंपनी है डिप्लोमेट सर्विसेज के नाम से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके जो है मार्केटिंग वगैरह भी देख रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत
बहुत अच्छा काम चल रहा है। जबरदस्त, जैसा कि नबीला ने भी बताया और हम सब भी, कि इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज भी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आपको जो है वो जितनी भी एम्प्लॉयज हैं, फीमेल एम्प्लॉयज भी हैं, वो भी आपको हमेशा यही कहते हुए सुनाई देंगे कि जी सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट है, साथ ही साथ एक फैमिली एनवायरमेंट है जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं। इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमेशा से ही अपने तमाम एम्प्लॉयज का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ख्याल रखा है। उनके जो स्पेशल ओकेजन होते हैं, बर्थडेज होती हैं, वो सब यहाँ पर एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट की जाती हैं। और इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही ये एक इनिशिएटिव है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी इंफॉर्मेटिव शो आप लोगों के लिए लॉन्च किया जाए, एक ऐसा प्रॉपर्टी इंफॉर्मेटिव शो आपकी स्क्रीन पर लाया जाए जिससे आपको प्रॉपर्टी के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा मालूम मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच नबीला, आपने हमें टाइम दिया और हम आपको गुड लक कहते हैं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप तमाम लोगों ने अपना फीडबैक हमें जरूर देना है लेट्स कनेक्ट शो के लिए कि आपको ये शो कैसा लगता है, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आप इस शो में देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जा रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बाकी का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गालिब कमाल और एक दफा फिर आपके लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम लेकर यहाँ पर हम हाजिर हैं जिसका नाम है लेट्स कनेक्ट। लेट्स कनेक्ट जहाँ पर हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज से कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर हम प्रॉपर्टी के हवाले से बातचीत करते हैं और जानते हैं लोगों को उनकी पर्सनैलिटी के दायरेकार से। तो यहाँ पर हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। उनका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से भी रहा है, इसके अलावा ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर और वो फाउंडर और सीईओ हैं स्टार्टअप 5000 के। अस्सलाम वालेकुम अमजद भिलार साहब। वालेकुम गालिब साहब। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे लेट्स कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और आपसे बातचीत करते हुए मुझे लुत्फ आ रहा है। अमजद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप फाउंडर सीईओ हैं स्टार्टअप 5000 की, ये क्या है इसके बारे में बताइए। गालिब साहब थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया। आई एम रियली थैंकफुल कि कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, थैंक यू सो मच। देखिए 5000 स्टार्टअप्स जो है एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। आपने स्टार्टअप्स देखे होंगे, वो स्टार्टअप्स बनते हैं, उसके बाद उनको फंडिंग की ज़रूरत होती है, वो बैंक्स के पास जाते हैं, बैंक उनको बोलता है कि आपने तो अभी काम स्टार्ट नहीं किया, हम आपको फ़ंड कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स को फ़ंड करने के लिए, आईटी और इनोवेशन के स्टार्टअप्स को फ़ंड करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है जिसमें हम मिलके पार्टनरशिप बेसिस पे काम करते हैं। एक्सपर्टीज आपकी, इन्वेस्टमेंट हमारी, हम मिलके पार्टनरशिप पे काम करते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। तो ये मुझे बताइए कि आईटी के हवाले से और ई कॉमर्स के हवाले से क्या समझते हैं आप एज अ फाउंडर एंड सीईओ, आपकी ये कंपनी किस तरह से फ़ायदेमंद करार हम इसको दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम सब अक्सर आपने सुनते हुए देखा होगा कि लोग कंप्लेन करते हैं जॉब्स नहीं है। बिल्कुल, आईटी और ई कॉमर्स एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो जॉब्स क्रिएट करती है। जी, हम लोगों का भी मोटिव यही था कि हम इकोसिस्टम बनाएं, स्टार्टअप्स बनाएं। नॉर्मली हमारे एक स्टार्टअप में 10 से 12 लोग काम कर रहे होते हैं, अभी हमारे पोर्टफोलियो में 11 स्टार्टअप्स काम कर रहे होते हैं, यानी 60-70 लोगों की टीम हम कैरी कर रहे हैं, अभी बिगिनिंग स्टेज पर हैं। तो देखें जहाँ पर भी आपकी इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात आती है, वहाँ पर आप अक्सर जब डॉलर्स की या फॉरेन करेंसी की बात कर रहे होते हैं, तो यही आईटी के स्टार्टअप्स ही है, यही आईटी के लोग हैं, ई कॉमर्स के लोग हैं जो कि डायरेक्ट डॉलर आपको डायरेक्ट बाहर से मंगवा के देते हैं। तो जितना भी आपने अपना इनपुट डालना है, जितनी भी आपने इनको फैसिलिटीज़ करनी है, तो आप इनको करें, ये आपके लिए बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं ये पूछना चाहूँगा कि एज अ पर्सन जो कि आईटी वर्ल्ड को बहुत करीबी अंदाज से जानता है, जैसे कि आपको मालूम है ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली प्रॉपर्टी इंफॉर्मेटिव शो भी है, हम प्रॉपर्टी के हवाले से भी यहाँ पर लोगों को इंफॉर्मेशंस देते हैं, तो आपकी कंपनी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है या हमारे प्यारों को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है अगर वो आपकी कंपनी को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी के हवाले से आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। देखें इसके इसका जवाब मैं दो तरीके से देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि अगर हम डॉलर कमाएंगे तो प्रॉपर्टी हम आपसे ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट का जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली वो वन विंडो सॉल्यूशन है। यहाँ पे कनेक्ट ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसमें फर्निश ऑफिस भी हैं। आप सॉरी सॉरी कट 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 नहीं होगा कट नहीं नहीं जा रहे लाइव जी
अच्छा आप बोलते रहिए। तो जो कनेक्ट ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है वो फर्निश ऑफिस का प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम लोग प्लग इन ऑफिस दे रहे हैं। नॉर्मली स्टार्टअप क्या करते हैं, उसके पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि इनिशियली वो स्टार्टअप कंपनी या कोई ऑफिस, छोटा सा ऑफिस ले, उसको फर्निश करे, उसके बाद काम स्टार्ट करे। ठीक है, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे, जिन्होंने फर्निश ऑफिस बनाए। सिर्फ आपने आके काम स्टार्ट करना है, इसके अलावा वर्क काम के बाद जो इन्होंने फोर्थ फ्लोर पे जो इनिशिएट लिया है, सिक्स फ्लोर पे जिसपे इनकी इंडोर 2.0 बनने जा रहा है, 2.2 बनने जा रहा है, जिसमें इनकी जो इंडोर गेम्स हैं, जिम्स हैं, प्लस फूड कोर्ट है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिससे हम सबको एज ए स्टार्टअप कम्युनिटी को भी और आपकी रियल एस्टेट कम्युनिटी को भी विन-विन सिचुएशन क्रिएट होती है, दोनों को म्यूचुअल फायदा हो सकता है। जबरदस्त। अच्छा ये मुझे बताइए, अभी आपने अगर कनेक्ट कमर्शियल हब की बात की, तो ये कनेक्ट कमर्शियल हब जो है ये आईटी और ई कॉमर्स के हवाले से कामयाब होने की जमानत बना, और इसको इसकी कामयाबी देखते हुए आरजे ग्रुप और ए&आई ग्रुप लेकर आया कनेक्ट 2.0, जो आरजे मॉल के 6th फ्लोर पे बनाया जा रहा है। 24/7 फैसिलिटीज दी जाएंगी आपको, वर्किंग आवर्स दिए जाएंगे, स्टैंड बाय जनरेटर है, सेंट्रली एयर कंडीशन है, कवर्ड कार पार्किंग बहुत बड़ी है। तो आप क्या समझते हैं कि आईटी के हवाले से कनेक्ट कमर्शियल हब और कनेक्ट 2.0 किस तरह से आपकी कंपनी को फायदा पहुंचा सकेगा? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कराची में आपने देखा होगा कि पार्किंग का बड़ा इशू है, बहुत बड़ी पार्किंग इन लोगों ने रिजर्व की हुई है। फर्निश ऑफिस ये लोग दे रहे हैं आईटी और ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स को, बड़े बड़े स्टार्टअप अभी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमें भी एक वन विंडो सॉल्यूशन चाहिए, बड़ा एक फ्लोर चाहिए जिसपे हमारे स्टार्टअप्स बैठ के काम करें। क्योंकि होता ये कि नॉर्मली हमारे इकोसिस्टम में आपका काम एक जगह से नहीं बन रहा होता, तो जब हम सारे एक फ्लोर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं तो आपको बराबर से वो काम हो रहा होता है, जो आपको काम करने में 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे भी लगते हैं। तो ये जो कनेक्ट का जो मॉडल है वन विंडो सॉल्यूशन वाला, इससे न सिर्फ ई कॉमर्स को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को, बल्कि रियल इस्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, कि उनको रेंटल इनकम और आरओआई के हिसाब से उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आज का टाइम चेंजिंग टाइम है और लोग ज़्यादातर आईटी की तरफ जा रहे हैं, ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, घर बैठे अपने बिजनेस को चला रहे हैं, और ऐसे मौक़ों पर जबकि आईटी का बोलबाला है, ए&आई ग्रुप ऑफ कंपनीज आईटी को बूस्ट अप देने के लिए सेमिनार्स मुनक्कित कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स पर बात कर रहा है, एक सेमिनार होने जा रहा है ऑन 12th of February, और इस सेमिनार पे भी बात होगी कि क्या परेशानियां हैं, क्या दुश्वारियां हैं जो आईटी सेक्टर को दरपेश हैं। आप एज ए फाउंडर और एज ए कंपनी ओनर क्या समझते हैं कि क्या वाकई दुश्वारियां हैं आईटी सेक्टर को ई कॉमर्स के हवाले से लोगों को ऑन द गवर्नमेंट लेवल जिस पर बात की जाए और सेमिनार्स किए जाएं, जैसे ए&आई ग्रुप इनिशिएटिव लेने जा रहा है? जी बिल्कुल, जो 12 तारीख को जो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं उसमें जो स्टेट बैंक के गवर्नर को भी इन्वाइट किया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। देखें बिल्कुल चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, बिल्कुल बैंक न सिर्फ हमारे बॉटम लेवल पे लेकिन कमर्शियल और एलीट लेवल पे भी प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट अभी उतनी फ्लोरिश नहीं हुई कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करे, बैंक्स उतने अभी कंफर्टेबल नहीं है कि आपको फंड करे, इकोसिस्टम अभी इतना बना नहीं है जितना यूरोपियन कंट्रीज में बाकी सिस्टम होता है। तो ये अवेयरनेस के जो प्रोग्राम होते रहते हैं ये बहुत ज़रूरी है इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, आगे बहुत जरूरी है। सर आप क्या कहेंगे कि लोग जो ऑफिसेज लेकर अपने बिजनेस को चला रहे हैं लेकिन उनके पास तो तमाम एमिनिटीज नहीं है, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो होने चाहिए, क्या आप उनको प्रेफर करेंगे कि वो अपने ऑफिसेज कनेक्ट कमर्शियल हब में हासिल करें या वो कनेक्ट 2.0 से रابطہ करके, हमारी एडमिन से रابطہ करके एक ऑफिस बुक कर लें कनेक्ट 2.0 में, जहां पर हम उनको स्मार्ट ऑफिसेज दे रहे हैं और एक छत के नीचे आईटी सेक्टर के हवाले से पूरा का पूरा जो एक अम्ब्रेला है उसके नीचे काम करने वालों के साथ मिलके एक बॉन्डेड टीम की तरह वो आगे बढ़ सकेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ अपनी जो स्टार्टअप कम्युनिटी है, जो हमारी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, क्योंकि मैंने पर्सनली विजिट किया है ये फ्लोर्स को विजिट किया है, यहाँ पे आपको बैकअप जनरेटर का टेंशन नहीं है, फर्निश ऑफिस फर्निश करने का कोई टेंशन नहीं है, सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। कराची में सबसे बड़ा जो इशू है पार्किंग का इशू,
नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आपको फर्निश ऑफिस मिलेंगे, जस्ट आए प्लग इन करें और अपना काम स्टार्ट करें। ना आपको एसी लगाने की जरूरत है, ना आपको फर्नीचर बाय करने की जरूरत है, ना आपको जनरेटर रखने की जरूरत है, सही है, ना ही आपको किसी और चीज की जरूरत है। आप आए, सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मैंने एक्चुअल देखी ये कि ये जो चीज दे रहे हैं वो ए क्लास की दे रहे हैं और जो रेंट ले रहे हैं वो बी और सी क्लास के मतलब, यानी हर बंदे के अफोर्डेबिलिटी पे है। दूसरा सबसे ज्यादा ये उस विसिटी में सेंटर ऑफ द सिटी है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग रीच कर सकते हैं, कहीं आपको दूर नहीं जाना, हर जगह से मैक्सिमम 15 to 20 मिनट की ड्राइव पर यहाँ पर है। तो मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आएं और एक्सप्लोर करें। जब तक आप खुद, मेरी रिकमेंडेशन है आप आएं खुद देखें, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं ऐसी जगह आपके घर के करीब आपके ऑफिस के करीब बनी हुई है और आप उसको अवेल नहीं कर रहे। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बात की। तो नाज़रीन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दोबारा आपके सामने। Assalamualaikum everyone, this is Maryam Kausar from the platform of Let's Connect. हम हाजिर हैं आपके साथ इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज और आरजी ग्रुप की जानिब से एक प्रॉपर्टी इंफॉर्मेटिव शो, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ डोमेन के लोगों से। और जैसे कि कनेक्ट 2.0 भी लॉन्च हो चुका है, आईटी सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर स्पेशली जो प्रमोट हो रहा है वो फ्रीलांसर्स के थ्रू हो रहा है। फ्रीलांसर्स पे एक बहुत बड़ा काम हो रहा है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और ऐसी चीज़ों के लिए एसोसिएशंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है, ताकि सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला के जमा किया जा सके और उनके लिए काम किया जा सके। ऐसे एक एसोसिएशन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के CEO तुफैल अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग हैं वो इस एसोसिएशन को जानते हैं। आप माशाल्लाह बीइंग यंग CEO बड़ा इसमें काम करें, बड़ा इसको प्रमोट भी करें। व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं, मैं उनके लिए जानना चाहूंगी कि क्या काम कर रहा है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, स्पेशली फ्रीलांसर्स कम्युनिटी को आपने अब तक क्या सर्व किया है? देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 मिलियन 35 लाख फ्रीलांसर्स हैं। ये 35 लाख फ्रीलांसर्स ना हमारी एसोसिएशन के पास है, ना इस वक्त गवर्नमेंट के पास है, ना किसी एक इदारे के पास है, ना किसी एक यूट्यूबर के पास है। तो हम पहला काम तो ये कर रहे हैं इन 35 लाख और ये जो बढ़ते जा रहे हैं इन फ्रीलांसर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हर एसोसिएशन हर फील्ड की, चाहे वो मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो सेल्स की एसोसिएशन हो, चाहे वो मीडिया की कोई एसोसिएशन हो, उनका पहला काम ये होता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देना, उनको मॉनिटर करना, उनको नेटवर्किंग कराना, उनकी मेंटोरशिप करना। तो उसी तरह से हमारा सबसे पहला काम ये है कि जो हमने स्टार्ट कर दिया है कि जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे गांव देहात हो, इन सबको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देना, इनके लिए इवेंट्स करवाना, ताकि एक जगह पर आए, अपने इश्यूज को रेस करें और हम उन इश्यूज को सॉल्व करें, जो कि हम बहुत सारे कर भी रहे हैं। तो ये पाकिस्तान फ्रीलांसर का पहला काम है। दूसरा काम ये कि पाकिस्तान की आबादी तो बहुत है, सिर्फ 3.5 मिलियन फ्रीलांसर्स है ना, 35 लाख। तो जो 35 लाख के अलावा लोग हैं उनको तो फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कल मैंने अखबार का जो आर्टिकल लिखा था द नेशन में, तो मैंने उसमें यही जिक्र किया था कि अगर हम ये डबल कर दें तो आप सोचें हमारे डॉलर्स कितने डबल आना शुरू हो जाएंगे मुल्क में। तो और वो जो स्पेशली बात हो रही है कि करेंसी डाउन जा रही है और पाकिस्तान में पैसा नहीं आ रहा, तो वो इस थ्रू आ सकता है। बिल्कुल, देखिए जो मैं फेसबुक जब देखता हूँ या व्हाट्सएप, तो जो फ्रीलांसर्स हैं वो तो जब डॉलर बढ़ रहा है तो वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम तो आ रही है डॉलर में। और बट कारोबारी हजरात और बहुत सारे लोग जो इम्पोर्टर्स हैं एक्सपोर्टर्स हैं वो परेशान है डॉलर्स की वजह से। तो मेरे ख्याल से जो आबादी, जो यूथ है हमारी, जो वुमेन है, जो घर बैठ के काम करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग से अच्छी अपॉर्चुनिटी तो कोई नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो एसोसिएशन है और आप खुद भी, क्या आप लोग ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं या अभी फिलहाल उनकी मोटिवेशन पे काम हो रहा है? क्योंकि बड़ी अच्छी एक बात आपने अभी कही भी थी, जब हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, कि ट्रेनर तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं लेकिन जो ट्रेनीज हैं उनका कुछ नहीं होता। तो आप लोग बेसिक किस चीज पे काम कर रहे हैं? देखिए अभी यही हालात हैं कि अब फ्रीलांसिंग क्योंकि एक बजवर्ड है, तो हर बंदा फ्रीलांसिंग पढ़ा रहा है और हर बच्चा हर यूथ फ्रीलांसिंग पढ़ रहा है, लेकिन काम बहुत कम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत कम लोग अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा मोटिव ट्रेनिंग अभी नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत लोग करा रहे हैं। हमारा ये है कि आप काउंसलिंग करें कि फ्रीलांसिंग करनी किस चीज में है। आप पहले स्किल्स तो आइडेंटिफाई करें, हाँ, जो आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप ये, जब आपने स्किल्स आइडेंटिफाई कर ली, तो यूट्यूब पढ़ा हुआ है, बहुत सारे हमारे ऐसे
फ्रीलांसर्स हैं जो कि फ्री में वीडियोस फेसबुक पर डाल रहे हैं रोजाना, हम उनको सुने, नोटिंग्स करें, समझें, और फिर हमारी स्किल जब एक लेवल तक आ जाती है, हम अपना अकाउंट बनाएं फाइवर पे, अपवर्क पे, और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें, और फिर नेक्स्ट स्टेप ऑनलाइन आप क्लाइंट्स को हंट करना शुरू करते हैं डायरेक्टली यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में और दूसरी मार्केट में. बट अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग कुछ कर नहीं रहे, कुछ अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही. अच्छा, अब जो मेरा सवाल है ये बड़ा बेसिक सा हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं और ऐसे तमाम लोग जिनको टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती उनके लिए ये बड़ा नॉलेजेबल होगा. बड़ी कंफ्यूजन है, फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, ये क्या चीज़ है और स्पेशली फ्रीलांसर का क्या मकसद है? आम लोग तो फ्री जैसे अभी आपने बात की, फ्री वीडियोस भी डाल रहे होते हैं, तो ये क्या चीज़ है कि लोगों को ये टर्मिनोलॉजी समझाया? ये पहले तो अब फ्रीलांसर का वर्ड जो है ना, पहले लोग ये समझते थे कि फ्री काम करते हैं. हाँ, तो अभी वहाँ पे हमने चैनल पे लाइव से तो वहाँ पे बात कर रहे थे, फ्रीलांसर का जो वर्ड है, लांसर जो है ना, ये बहुत पहले आर्मी के अंदर जो है लांसर, जो नाइक होता है, लांसर जो होता है, वो कहीं पे भी जाता था, कुछ भी करता था, तो वो किसी के साथ भी जुड़ जाता था और वो फ्री होता था, तो उसको कोई भी हायर कर लेता था, तो इसीलिए वो फ्री, वो बाउंड नहीं होता था, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता था. तो वहां से ये वर्ड निकला था फ्री लांसर का. लांसर एक सेपरेट वर्ड था जो कि मिलिट्री से आया था, ठीक है, तो इसीलिए लांसर उसका वर्ड है, तो इसको मिला दिया आज गया. आज के दौर में ये फ्रीलांसर क्या करते हैं? जो आज के दौर में जो फ्रीलांसर है वो इंडिविजुअली अकेले बैठ के अपना बॉस खुद होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो किसी एक का एम्प्लॉय नहीं होता, और वो पूरी दुनिया में बैठ के ऑनलाइन काम करता है, उसकी जर्नी होती है. आपको मैं यहाँ रोकूंगी, फ्रीलांसर के लिए ऑनलाइन काम करना ही जरूरी है? नहीं, देखिए वैसे बाय डेफिनेशन एक फोटोग्राफर भी फ्रीलांसर है. ओके, करीम का कैप्टन भी फ्रीलांसर है. ओके, क्योंकि वो करीम के साथ भी नहीं होता, वो उबर के साथ भी होता है, वो इन ड्राइव में भी होता है, वो प्राइवेटली भी गाड़ी चलाता है, तो वो भी है, बट वो आईटी इनेबल्ड होता है क्योंकि उसके पास एक ऐप होती है, बट फोटोग्राफर के पास ऐप नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजिकल बट यूज कर रहा होता है. फोटोग्राफर भी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो कभी शादी में जाता है, कभी किसी इवेंट में जाता है, ऐसे ही है. वो भी फ्रीलांसर है. सही. एक हाउस मेड भी फ्रीलांसर होती है. okay. वो हर घर में काम करती हाँ. है. तो फ्रीलांसर तो ये सारे हैं, हम भी हैं, होस्ट भी फ्रीलांसर्स होते हैं. तो होस्ट जो है ना, यहाँ पे होस्टिंग करते हैं, दूसरी जगह होस्टिंग करते हैं. तो अब फ्रीलांसर की जो जर्नी का आपने सवाल किया था वो ये है कि फ्रीलांसर का पहला स्टेप क्या है कि वो खुद एस्टेब्लिश होके एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो काम स्टार्ट करता है, उसके बाद से वो माइक्रो एजेंसी या स्टार्टअप बनाता है, फिर उसके बाद से वो एंटरप्रेन्योरशिप और एक ग्लोबल कंपनी की तरफ जाता है, या कंपनी पहले पाकिस्तान में SECP में रजिस्टर कराता है, या फिर ग्लोबल कंपनी US UK में कंपनी रजिस्टर कराता है. ये इसकी जर्नी होती है जो लोगों को नहीं पता. लोग या तो सिर्फ फ्रीलांसर रहते हैं, या तो वो दो तीन लोगों को लेके कंपनी बनाते हैं, फिर उसमें उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, दोबारा फ्रीलांसर बन जाते हैं. ओके, सही. अच्छा, मुझे ये बताएं, सिंस आवर शो इज आल्सो अ प्रॉपर्टी इंफॉर्मेटिव शो, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से तेजी से रैपिडली डिजिटलाइजेशन आ रही है, सारी चीजें फिजिकली डिजिटल पे जाके जा रही है, तो क्या फ्रीलांसर्स कम्युनिटी रियल एस्टेट पर भी आएगी, या प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है ये एज अ फ्रीलांसर्स भी लोग करना शुरू करेंगे, ये आपको क्या मॉडल नजर आता है? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम, हमारी एसोसिएशन पे काम कर रही है. अच्छा. कि जो फ्रीलांसर $20,000 कमा रहे हैं, $30,000 कमा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में जब लाएंगे तो उसका क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है. तो सिर्फ स्पेंड तो नहीं कर सकते, ऐसे ही है. तो पहला बैंक में भी नहीं रख सकते. हाँ, वो डीवैल्यू हो जाता है. तो पहला तो ये कि वो जो पाकिस्तान में डॉलर्स ला रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो पहला स्टेप तो ये वो अपने ऊपर खर्च करें. okay. अपनी इम्प्रूवमेंट करें, कोई कोर्सेस करें ऑनलाइन. दूसरा ये कि वो इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में करें, वो म्यूचुअल फंड्स में करें, प्रॉपर्टीज में करें, और उनकी नो हाउ हम उनको प्रोवाइड करें थ्रू आवर पार्टनर्स, कि उनको प्रॉपर्टी, स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे उनको क्या फायदा होगा. सही. अच्छा, देखिए, आपके पास तो माशाल्लाह पूरी, क्योंकि आप खुद भी फ्रीलांसर एसोसिएशन आप चला रहे हैं, माशाल्लाह CEO हैं, तो पूरी दुनिया का एक एक्सपीरियंस आपके पास है. आप क्या समझते हैं कि क्या वाहिद प्रॉपर्टी एक ऐसा सरमाया है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं? या अभी आपने म्यूचुअल फंड्स की भी बात की है, आइडियलिस्टिक टू डी वैल्यू ऑफ मनी, इस पे अगर हम करके बात करें, इस पे फोकस करते हुए, तो क्या प्रॉपर्टी अच्छी इन्वेस्टमेंट देती है रिटर्न बैक, पूरी दुनिया के हवाले से भी अगर हम बात करें, नॉट ओनली पाकिस्तान? पाकिस्तान में तो ये स्काई रॉकेटिंग वो है, इंडस्ट्री है रियल एस्टेट, और ये बिल्कुल आपके हाथ से जा रही है, फ्रीलांसर्स के हाथ में आ रही है. अच्छा. कि जो है अगर
कोई बहुत सालों पहले करोड़पति था तो फ्रीलांसर उसको बीट कर सकता है। वाओ। लेकिन क्योंकि वो डॉलर्स में कमा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बीट कर सकता है $40,000 $30,000 एक साथ किसी प्रोजेक्ट को उठा के, और फिर उसके बाद से उसको कंसिस्टेंटली। बट अगर कोई एम्प्लॉय 5 लाख भी तनख्वाह कमा रहा है महीने के, 6 लाख 10 लाख पे भी है, तो शायद किसी करोड़पति पति को बीट ना कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसकी इनकम वहीं तक महदूद है और उसकी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सबसे पहली है, जहाँ पे उसको कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ ये फिजिबिलिटी देखनी है कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करनी है कहाँ नहीं करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट किस जगह पर है। और इसके भी इतने कंसल्टेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, इतने इदारे मौजूद हैं जो कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट पे आपको गाइडेंस देते हैं। तो दैट विल बी अ लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रीलांसर्स ऑफ फॉर द फ्रीलांसर्स आल्सो। अच्छा, बात करने को की जाए तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जब आप किसी भी ऐसी नई टर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं या एक बहुत आइकॉनिक जिसको हम कहते हैं रैपिडली फैल रहा है, तो वो फ्रीलांसर ही है। उसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, जब एसोसिएशन के खुद सीईओ यहाँ बैठे हो, लेकिन वक्त की हमारे पास किल्लत है तो इतनी बात तो नहीं कर सकेंगे। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी स्पेशली यूथ को और उन लोगों को जिनको कुछ पता नहीं होता, वो बस उन्होंने सुना देखा और बस उसके पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी? अच्छा, मैं मेरा क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना पर्सनल ब्रांडिंग है और मैं पूरी दुनिया में पर्सनल ब्रांडिंग की कोचिंग करता हूँ, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर इंसान, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो होस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, किसी भी पेशे से उसका ताल्लुक हो, फाइनेंस के पेशे से ही क्यों ना ताल्लुक हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसको अपना ब्रांड जरूर बनाना चाहिए। सही। क्योंकि हम सब अपने ड्रेसिंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा सोचते हैं कौन सा ब्रांड पहनना है, कौन सा ब्रांड खाना है, कौन से ब्रांड में जाना है, ऐसे ही है। लेकिन हम कभी अपने ब्रांड के बारे में नहीं सोचते कि हमें अपने ब्रांड पे कितना टाइम देना है, अपने ब्रांड की विजिबिलिटी कितनी रखनी है, किस चैनल पे रखनी है। और आप 90% लोगों को देखेंगे कि वो कभी भी अपने ब्रांड पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाते। बिल्कुल, उनकी कंपनीज का बना हुआ होगा ब्रांड प्लान और वो जहाँ जाओ जो अपना जो है ना उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसे तो जो लोग अपना ब्रांड नहीं बनाते तो वो कंपनी के भी ब्रांड को अपलिफ्ट नहीं कर पाते, चाहे वो एक फोटोग्राफर क्यों ना हो। अगर एक फोटोग्राफर जो है वो अपना ब्रांड नहीं बनाता तो उसको बिजनेस नहीं मिलता, उसको कोई जानता नहीं है। लेकिन एक फोटोग्राफर अगर उसकी क्वालिटी भले ही बुरी हो लेकिन उसका ब्रांड बना हुआ है, उसको सब जानते हैं, सब बुलाते हैं। तो योर मैसेज ऑफ द शो इज कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, पर्सनल ब्रांडिंग जरूर बनाएं और उसके लिए अपने टाइम निकालें, वो कोई और नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, वो कोई और नहीं करेगा, आपको खुद के लिए खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। और यू आर सच इंस्पिरेशन माशाल्लाह, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शो, और लेट्स कनेक्ट के साथ आप भी कनेक्ट कीजिए इसी तरीके के मजीद लोगों से, आपको भी मिलवाते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स कनेक्ट शो के साथ मैं हूं असलान चांद नवाब। दुनिया भर में जहां मईशियत को बेहतर बनाने के लिए आईटी और ई कॉमर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं पाकिस्तान में भी आईटी सेक्टर और ई कॉमर्स के शोबे को फरोग देने के लिए क्या मसाइल हैं और क्या वसाइल हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन, जो कि साबिक आईटी मिनिस्टर हैं और चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा तौर पे जहां दौर तब्दील हो रहा है और मईशियत को बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर में आईटी को और ई कॉमर्स को फ्रोग दिया जा रहा है, पाकिस्तान में किस हद तक इसे फ्रोग देने के लिए काविशें की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो स्कोप है किसी भी नेशन का और डेवलपिंग नेशन का खास तौर पे, तो वो सारा जो स्कोप है और यूथ के लिए जो स्कोप है वो आईटी सेक्टर में ही है। जो हमारा एक कन्वेंशनल सिस्टम है एक्सपोर्ट का, हम देखते हैं रोज़गार कमाने का, जो आम दुकानदारी का सिस्टम है या आम कोई इंडस्ट्री लगा लें या किसी कॉटन की एक्सपोर्ट कर लें, टेक्सटाइल की कर लें, इस तरह की लेदर गारमेंट्स की कर लें, हमारे 5 एक्सपोर्ट सेक्टर हैं। तो नॉर्मली जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो तो वही है, लेकिन अब जो एक नई और इमर्जिंग मार्केट है वो ई कॉमर्स है और उसके साथ साथ आईटी एक्सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये खास इस वक्त जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जिसमें लोग अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं और ख़ासतौर पे यूथ जो उसमें अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं, जिसमें स्कोप भी है, जिसमें जॉब्स भी हैं और जिसमें इनकम भी है, तो ये एक सेक्टर ऐसा है कि जिसको ओवरऑल आईटी सेक्टर कहा जाता है। तो इसमें पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो इसी पे मुनसर करता है। मौजूदा तौर पर इस वक्त आईटी सेक्टर के कौन कौन से पार्ट हैं जिन पे काम किया जा रहा है और कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है अभी? देखिए, पाकिस्तान में एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये तो हम सब जानते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि ये जो जो गूगल प्ले स्टोर है
उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो एक एक दो दो डॉलर के होते हैं, देखने में बड़े सस्ते से होते हैं और वो यूज़फुल भी होते हैं। तो वो कौन डेवलप करता है? वो आम तौर पे ये लड़के लड़कियां जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं वो डेवलप करके और वो उस पर गूगल प्ले पे डाल देते हैं। अब दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं जो शौकिया भी गूगल प्ले पे जाते हैं और ज़रूरतन भी जाते हैं, तो देखते हैं तो एक आध डॉलर की कोई चीज़ होती है, वो उसको वो अपना कार्ड चार्ज करा के और परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इसकी जो ऐप डेवलपमेंट है वो अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं तो वो उसको सिखा के और उनको इस तरीके से अगर इसके ऊपर डालते रहें गूगल प्ले पे, तो उनकी अच्छी इनकम हो सकती है और घर बैठे वो 150 डॉलर रोज़ के कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से स्टार्टअप्स हैं, तो स्टार्टअप्स जो हैं वो कोई भी नया आइडिया लेके और नई इनोवेशन लेके मार्केटिंग की बिजनेस का कोई भी आइडिया डेवलप करके अगर वो आते हैं ई कॉमर्स में, तो उनको बाहर से फंडिंग भी मिल जाती है बशर्ते कि इनोवेटिव उनका आइडिया हो। तो ये एक बड़ा अच्छा सपोर्टिव चीज़ है और इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है और उसमें बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में इसमें काम किया और पाकिस्तान में इसमें कमाया भी है। इस वक्त मौजूदा तौर पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए आईटी सेक्टर के किन पार्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है? जी हाँ, मैंने बताया ना कि ई कॉमर्स के ऊपर काम हो रहा है, अच्छा खासा काम हो रहा है। अभी हमने ये जो कोविड के दिनों में देखा तो कोविड में बहुत सारे लोगों ने ई कॉमर्स शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि मार्केटें वगैरह बंद थी उन दिनों में, तो उसमें वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो जाहिर है कि वो सारा आईटी के ऊपर ही वर्क फ्रॉम होम जो हो रहा है तो इंटरनेट के ऊपर और आईटी के ही उसके ऊपर काम हो रहा होता है। और फिर ई स्टोर जो लोगों ने बनाए उसमें अभी आप देख रहे हैं कि उसमें होम डिलीवरी सर्विसेज भी उसके ऊपर आ रही हैं, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस भी उसके ऊपर चल रहा है, बहुत सारे जो लेडीज़ के गारमेंट्स हैं और डिज़ाइनिंग है वो सारी भी उसके ऊपर चल रही है ई कॉमर्स के ऊपर। और फिर इसमें स्टोर्स भी हैं जिसमें आप गुल अहमद और बेशुमार ब्रांड्स को आप देखते हैं कि जो आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं वो आज फिर द्राज हमारे यहाँ एक चीज़ जो है एक उसी को देख के लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से अली बाबा है द्राज है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो सारे ई स्टोर हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर इस तरीके से ई स्टोर डेवलप किए जाए और कर रहे हैं लोग अभी तो सैकड़ों की तादाद में कर रहे हैं, तो वो ई फिर ये कि फेसबुक के ऊपर आप अपनी चीज़ों की जो एडवर्टाइजिंग करते हैं और वो बड़ी फोकस्ड एडवर्टाइजिंग होती है, टीवी वगैरह के ऊपर जो एडवर्टाइजिंग आती है तो वो तो हर आदमी देख रहा है, चाहे उसका उस प्रोडक्ट में उस चीज़ में या उस टाइमिंग में या उस इलाके में उसको उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो। लेकिन फेसबुक जो है वो बिल्कुल टारगेटेड मार्केटिंग है, उसमें अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो एज ग्रुप के हिसाब से इलाके के हिसाब से और लोगों की एजुकेशन के हिसाब से वो उस तरीके से उसको फिल्टर करके वो उन्हीं लोगों को दिखाई जाती है जिनका उसमें इंटरेस्ट होता है। तो ये चीज़ें हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है और उसमें फिर जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है उसमें बड़ा काम हो रहा है और उसमें हमारे पाकिस्तानी लड़के लड़कियां बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में। यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप पूरी दुनिया में कारोबार कर सकते हैं और पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं। ओके सर, मुझे बताइएगा पाकिस्तान का माशी हब शहर कराची कहलाता है, यहाँ पर 60 बड़े इंडस्ट्रियल जोन है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला भी यही शहर है। इसकी डेवलपमेंट के अंदर जो वसाइल हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मसाइल का एक कहा जा रहा है, तो आप बताइएगा कि किस तरह से डेवलपमेंट बेटर हो सकती है और डेवलपमेंट का मईशत पे किस हद तक असर पड़ेगा? या देखिए, कराची जो है वो कोई 11 अरब रुपए रोज का टैक्स पे करता है और 11 अरब रुपया एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये साल में जाके कोई 3300-3400 अरब रुपए बनता है जो कराची पे करता है। और पाकिस्तान का टोटल जो रेवेन्यू है वो कोई 7100 अरब रुपए है, तो उसमें कोई 60% के करीब यानी 4000 अरब जो है वो कराची पे करता है, जिसमें वो अगर पर डे जो है वो कोई 11 अरब रुपया बनता है। तो इस लिहाज से देखें तो कराची बहुत बड़ा फंड जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब जहाँ तक यहाँ शहर के मसाइल का ताल्लुक है तो हमने देखा कि यहाँ पे मसाइल कराची में बहुत ज़्यादा है। एक तो यहाँ पे आबादी का इनफ्लो जो दूसरे शहर हैं उनसे बहुत ज़्यादा है कराची में, जिसको भी रोज़गार की ज़रूरत होती है क्योंकि ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है,
तो वो लोग जो हैं वो इधर कराची में आ जाते हैं और यहाँ के आते हैं, और कराची भी इतना फ्राक दिल है कि सबको समेट लेता है। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पे फिर उसकी वजह से आबादी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, और लोग भी ज़्यादा जब होते हैं तो उनको मैनेज करना भी ज़रा डिफिकल्ट। आबादी के हिसाब से डेवलपमेंट जो की जा रही है वो, अब अगर हम यूँ देखते हैं तो आम ख्याल ये है कि कराची की आबादी जो है वो कोई 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन जो गवर्नमेंट का कंसेंसस है उसमें जो आबादी रिफ्लेक्ट होती है वो कोई 1.80 करोड़ है। तो अगर आबादी ही अगर अंडरमाइन की जाए और सही उसके एस्टिमेट्स ही ना हो, तो फिर ज़ाहिर है कि जो आपने यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करना है या लोगों को जो एमिनिटीज़ आपने प्रोवाइड करनी है तो वो उसी लिहाज से वो भी फिर अंडरमाइन हो जाएंगी। तो एक तो ये एक मसला है कि गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, कि वो जो हमारा कंसेंसस है और जो लोगों का इसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसको रिजॉल्व करें और देखें एक्चुअल आबादी है कितनी। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा आईटी से, कि आईटी के जो वसाइल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्हें अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, अगर वो कौन से वसाइल हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सके तो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ सकती है? देखिए बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान में जो हमारी इंटरनेट सर्विस है, आल्दो के हमारे पास मेरा ख्याल है अभी मोबाइल टेलीफोन मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 22 करोड़ की आबादी में शायद जो मोबाइल कनेक्शन है वो कोई 18-20 करोड़ लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन है, लेकिन जो इंटरनेट रिलायबिलिटी है वो शायद अभी उतनी ज़्यादा गांव देहात में उतनी नहीं है। एक तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी और उसकी कॉस्ट, वो अगर कम हो तो फिर यह है कि हर आदमी की रीच में होगी, और उससे फिर क्या होगा कि हर आदमी भी उसमें कुछ ना कुछ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए, कोई बंदा कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद सकता है, कोई चीज़ सेल करना चाहता है तो वो सेल कर सकता है। और फिर ये कि एक जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने वजारत आला के दौर में एक वो लैपटॉप की स्कीम चलाई थी, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी स्कीम है, वो हमें चाहिए कि हर स्टूडेंट को हम किसी ना किसी तरीके से एक लैपटॉप उसको ज़रूर प्रोवाइड करें। तो जब हम पहले ज़माने में होता था कि जी आप एक बच्चे को एक कलम पकड़ाएं, अब आजकल कलम की बजाय अगर आप उसको एक लैपटॉप देते हैं तो यकीनन वो उससे आईटी लिटरेट होगा, आईटी को समझेगा, और उससे क्या होगा कि उसको पता लगेगा कि एक नई दुनिया है, एक नई तो वो उसके इम्कानात हैं, तो एक गैलेक्सी है जो इम्कानात की है, तो वो उसमें अपना हिस्सा तलाश। साल तकरीबन हमने कोई 4-5 अरब डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट्स की हैं, और इसमें कोई एक तखमीने के मुताबिक 8-10 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान में आईटी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, और 600 के करीब कंपनी हैं जो आईटी का बिजनेस कर रही हैं। लेकिन इसमें फिर यह है कि फ्री लांसर भी बहुत बड़ी तादाद में है, फ्री लांस कंपनियाँ भी बहुत बड़ी तादाद में है, तो इन सब को अगर हम और ज़्यादा मौके प्रोवाइड करेंगे तो लोग इसमें अपनी लाइवलीहुड इसमें तलाश करना शुरू कर देंगे, और लोगों को एक बड़ा अच्छा हैंडसम माकूल, एक तो होती ना क्लर्की की आप दफ्तरों में जाके क्लर्की करें और ज़रूरत नहीं है, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और गुर्बत की सतह भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो इन सारी चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए हम अगर आईटी की अगर तालीम लोगों को दे दें, और उनको लंबी चौड़ी तालीम की ज़रूरत नहीं होती उसमें, इवन मैट्रिकुलेट बंदा भी वो काम कर सकता है, तो वो अगर हम लोगों को उसमें हम थोड़ा सा हुनर देना शुरू कर दें तो फिर हर आदमी 10-20-25-50 डॉलर डेली कमाने वाला बंदा बन जाएगा, और इस तरीके से हमें रोज़गार के मसाइल। सर मौजूदा तौर पर अभी कराची के अंदर आईटी हब कोई ऐसा मौजूद नहीं है, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस फ्लोर के जरिए से कनेक्ट 2.0 के जरिए से एक आईटी हब मुतारिफ कराना चाहा है और आईटी के ऊपर सेमिनार भी करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि कैसा स्टेप। बड़ी अच्छी कोशिश है, A&I ग्रुप का नाम हम सुनते रहते हैं, अच्छी कंपनी है और अच्छा काम कर रहे हैं, और ये इस वक्त जरूरत भी है हमारे मुल्क की और हमारे शहर की। देखें कराची में, और फिर ये कि एक बात और है कि पाकिस्तान में यूथ बल्ज की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में यूथ जो है वो काफ़ी गालबन कुछ 60% के करीब जो हमारी आबादी है वो यूथ पे डिपेंड करती है, यूथ पे मुनसर यूथ है मतलब, तो यूथ पे कंप्राइज करती है, तो ये है कि हमने उन लोगों को रोज़गार देना है। तो अब ये है कि अगर हम ये A&I ग्रुप वाले जो हैं ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, और भी ग्रुपों को आना चाहिए, मैं और बहुत सारी IT कंपनियों को जानता हूँ जो काम करती हैं IT सेक्टर में, उसमें तकरीबन 100-125 कंपनियां तो हमारे कराची में ही हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, फिर इसकी जो एसोसिएशन है वो भी यहीं कराची में ही है जो इसका हेड ऑफिस है, तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और आईटी की एक्सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल को 4-5 अरब डॉलर की हमने एक्सपोर्ट की है,
तो एक ऐसी एक्सपोर्ट है कि जिसको हम हर साल एक डेढ़ दो अरब डॉलर बढ़ा सकते हैं, और बल्कि एक लाख हम अगर इसमें थोड़ा सा और इसमें फोर्सफुली लोगों को सहूलतें देना शुरू कर दें, तो मे बी कि ये 10 अरब 20 अरब 25 अरब डॉलर तक भी इसकी एक्सपोर्ट जा सकती है। और एक चीज़ और कि इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स इसमें जो काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं, वो जो अपनी आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें वहाँ से पैसे लेने का एक बड़ा इशू है। कहीं अगर आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अपनी कोई सर्विस बाहर बेचते हैं तो पैसे कहाँ से कैसे आएंगे, तो उसके लिए पेपैल कंपनी जो है उसका हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टेट बैंक ने उसको एंगेज करना है पेपैल वालों को, तो वो अगर करेंगे तो एक मीडियम अवेलेबल होगा कि जिसके ज़रिए फिर हमारे अगर कोई कोई बच्चा कोई चीज़ बाहर बेचता है किसी को, तो वो उसके पैसे उसको उससे रेमिट हो सके। आईटी सेक्टर ने जिस तरह से दुनिया भर की मईशियत में नई तब्दीलियां दी हैं, इसी तरह से पाकिस्तान में भी आईटी सेक्टर और ई कॉमर्स के जरिए से मईशियत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होने के साथ मुझे अब इजाजत दीजिएगा, आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।